The doctor reached home after my mother died. भरवा रहा है। तो ये क्या है वाक्य? पास्ट परफेक्ट है। आफ्टर आ रहा है तो पहला इंडेफिनिटिव बनता है, आफ्टर होता है, और बाद वाला परफेक्ट। द डॉक्टर रीच्ड होम आफ्टर माय मदर, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में क्या आएगी? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाई से हो जाएगी, डाइट। माय ब्रदर खाली जगह इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। इसमें क्या आ रहा है? फोर आ रहा है, सिंस फोर, टाइम वाला वाक्य है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से टेंस का बनेगा? पास्ट का, क्योंकि लास्ट आ गया, लास्ट 10 ईयर्स। तो माय ब्रदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन आएगी हेल्पिंग अप, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी लिविंग इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ही खाली जगह फॉर दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट ही बनना है वाक्य। ही और लीव की पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, फॉर दिल्ली यस्टरडे। ही खाली जगह ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। अब सिंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि पास्ट का इसमें या फ्यूचर का कोई स्पष्ट नहीं हो रहा। तो ही क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आएगी हैज बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। My brother and his companions खाली जगह टीवी, मेरा भाई और उसके साथी ते टीवी देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। My brother and his companions are, और वाच से हो जाएगी वाचिंग टीवी। आई शैल गो होम व्हेन ही कम। पहला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट है, यदि एक वाक्य फ्यूचर में होता है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ये नियम है। तो आई सेल गो
होम। व्हेन ही, अब ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कम की, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कम की हो जाएगी कम्स। दिस हाउस टू मी बिलोंग, बरवारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह घर मेरा है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी।